यमुनानगर के रादौर के गांव दमाला पहुंचे कुरुक्षेत्र सांसद राजकुमार सैनी पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस द्वारा किए जा रहे किसान मजदूर व व्यापारी सम्मेलनों पर तंज कसते नजर आए। उन्होंने कहा कि 60 साल सत्ता सुख भोगने के बाद जब कांग्रेस को जनता ने नकार दिया तो अब कांग्रेस को उनकी याद आ रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मछली बिना पानी के नहीं रह सकती उसी प्रकार कांग्रेस सत्ता के बिना नहीं रह सकती, इसलिए अब ये लोग जनता को बरगला रहे हैं। जनता को तो अब कांग्रेस के लोगों का गिरेबान पकड़ इनसे पूछना चाहिए कि सत्ता के वक्त उन्हें उनकी याद क्यों नहीं आई। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो इसका स्वागत करते हैं क्योंकि इससे सरकार पर पढ़ने वाला बोझ कम होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग आज मुझ पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं वे उनकी मानसिकता को दर्शाता है। एक सम्मानित पद पर बैठने वाला व्यक्ति अगर किसी के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी करेगा तो वह खुद उसके खिलाफ ही लागू होता है। सरकारी कर्मचारियों की 60 साल की नौकरी की तर्ज पर नेता की भी उम्र तय हो के सवाल पर उन्होंने कहा कि नेताओं की आयु 70 साल रखी जानी चाहिए। देखिए, कांग्रेस पिछले 70 साल की आजादी में से 60 साल सत्ता भोगती रही है। ये जिस प्रकार से मछली पानी के बिना नहीं रह सकती उसी प्रकार से कांग्रेस के लोग सत्ता के बिना नहीं रह सकते। इनको जनता को बरगलाना आता है। जनता को पूछना चाहिए कि जब 70 साल में से 60 साल तुम सत्ता में थे तब आपको किसानों की याद क्यों नहीं आई, बेरोजगारों की याद क्यों नहीं। आज आपके पास कौन सी जादू की छड़ी है? लोगों को तो इनका गिरेबान पकड़ करके ये पूछना चाहिए कि आज आपके पास कौन सी जादू की छड़ी है जिससे आप रोजगार दे देंगे और किसानों का भला कर देंगे, जो कल आपके किसी ने हाथ पकड़ रखे थे कि आप भला न करना। 3 साल पहले तक कांग्रेस ही इस देश में राज कर रही थी। देखिए, ये बहुत अच्छा है, देश के ऊपर से खर्चा टलेगा। आज मैं तो कहूंगा कि पूरे देश के अंदर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव, चाहे किसी विधानसभा का समय छोटा किया जाए और चाहे किसी विधानसभा को साल 6 महीने फालतू दिए जाए, पूरे देश का एक साथ इलेक्शन हो और राज्यसभा समाप्त करके देश की जनता की चुनी हुई सरकार के माध्यम से जनता के फैसले देश का निर्माण किया जाए। लोग हमें जो लोग कुत्ता बता रहे हैं, बस ये बात है कि ये कुत्ता उन चोरों पे जरूर भौंक रहा है। देखिए, मुझे बहुत कुछ उनके बारे में नहीं कहना। जैसी किसी की सोच होती है वैसा ही वो दूसरे को देखता है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठने के बाद अगर कोई किसी को तुच्छ शब्दों से उसका अपमान करता है तो वो अपमान उसके अपने ऊपर लागू होता है। देखिए, आज देश के अंदर 60 वर्ष की आयु, नेताओं के अंदर 70 साल की आयु रखी जानी जरूरी है। और 50 साल से पहले जिस प्रकार से आज हमारे पास लोकल बॉडी, पंचायती राज और अन्य बहुत सारे सोशल वर्क के काम हैं, उनके अंदर लोग पहले लोगों के लिए अनुभव पाए और उसके बाद 50 साल से लेकर के 70 साल के बीच में जिस प्रकार से अमेरिका में है कि मोदी ने स्टार्ट किया भी था कि परिवारवाद को राजनीति से खत्म करके वास्तविक प्रजातंत्र की नींव डाली जाए, लेकिन न जाने कहां दबाव आ गया, लेकिन बहुत अच्छी सोच थी जिसको लेकर के चले थे। यमुनानगर से नेशनल बस के लिए सुमित ओब्रॉय की रिपोर्ट।